subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ उर्दू, ये चौथा खिता जिसे साहिर लुधियानवी ने तहरीर किया है, इसके सवालात के जवाब और सरगर्मियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं सवालात के जवाब। गैर मुतल्लिका लफ्ज़ नामों को अलग कीजिए और इनमें से कौन सा साहिर का शेरी मजमुआ नहीं है वो लिखिए। परछाइयाँ, तलखियाँ, गाता जाए बंजारा और मशाल, इसका जवाब क्या है? मशाल। दूसरा है, मुंह छुपा के और सर झुका के जीने का मतलब क्या है? इसका जवाब है, जब ज़मींदारी का निज़ाम कायम था तब किसानों के दिलों में ज़मींदारों की धाक बैठी हुई थी, वो सर झुका कर खड़े होते थे। अगर फसल ख़राब होने पर लगान चुकाना मुश्किल हो तो मुंह छुपाए फिरते थे। ज़मींदारों के आदमी इनको पकड़कर पेश करते तो वो सर झुकाकर खड़े होते। शायर को ये ज़ालिमाना निज़ाम पसंद न था। वो कहता है कि हम न मुंह छुपा के जिए और न सर झुका कर जिए, हमको इस क़स्म की ज़ालिमाना ज़िंदगी पसंद नहीं है। तीसरा सवाल है, सितमगरों की नज़र से नज़र मिलाने को वाजह कीजिए, इसका जवाब है, इस मिसरे में शायर ने अपनी जुरात और बेबाकी का इजहार किया है। वो ज़मींदारों के रौब से मरूब नहीं है, उसमें बला की खुद एतमादी है, ज़मींदारों के ख़िलाफ़ उसका रवैया बागियाना है। इसलिए शायर कहता है कि हम सितमगरों की नज़रों में नज़रें मिलाकर जिए, हम पर उनके रौब का कोई असर ना हुआ। अगर हम इन ज़मींदारों से ज़रा भी घबराते तो किसानों की तरह वो हम पर भी हुक्म चलाते। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।